हेलो फ्रेंड्स, आज हम साबुदाने की टिक्की बनाने जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार बनती है। तो साबुदाने की टिक्की बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दूँ, सबसे पहले मैंने ये आलू लिए हैं। ये दो आलू मैंने उबाल कर, इनको दो आलू मीडियम साइज़ के लिए इन्हें उबाल कर छील कर रख दिया है। इन्हें मैं मैश कर लेने वाली हूँ। और यहीं पर हाफ कप मैंने लिया था साबुदाना, जिसे मैंने भिगोकर एक घंटा रख दिया था, और उसके बाद पानी निकाल करके इसको छलनी में रख दिया था, जिससे कि ये देखिए इतना डबल हो जाता है, पूरा एक कटोरी भर गया। ये देखिए एकदम बिल्कुल गला हुआ सा हो जाता है, कोई ग्रेन नहीं रहता इसमें इस तरह से, और बहुत अच्छा बनता है। ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि दांत के नीचे आए और बुरा लगे। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर करी पत्ता लिया है, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप करी पत्ता पसंद नहीं करते हैं तो हरा धनिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च कटी हुई, नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, रेड चिली पाउडर करीब क्वार्टर टी स्पून मैंने लिया है, आप रेड चिली पाउडर भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहीं पर मैंने चाट मसाला लिया है, चाट मसाला करीब हाफ टी स्पून मैंने लिया है। तो अब मैं इसे तैयार कर लेती हूँ, साबुदाने के बड़े बनाना या साबुदाने की टिक्की, जो भी आप इसे कहें। तो अब हम तैयार करते हैं। तो अब मैं ये आलू मैंने मैश कर लिए हैं, यहाँ पर साबुदाना जो मैंने भिगोकर रखा था ये भी ऐड कर देने वाली हूँ, और बारी बारी सभी चीज़ें ऐड कर देंगे। चाट मसाला डाल दिया है, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट यानी कि नमक, करी पत्ता, या आप हरा धनिया चाहें तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और यहीं पर मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। और अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद इसके हम बड़े तैयार करेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ, और अब मैं थोड़ा सा हाथ गीला करके पानी का हाथ लगा रही हूँ, और पानी का हाथ लगा के इसे टिक्की की शेप में दे देंगे। तो मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ किस शेप में करना है। शेप तो आप जो चाहे आपको पसंद हो आप वो वाली बना लें, वो शेप बना लें। तो मैं आपको तैयार करके उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली हैं, ये 6 टिक्कियाँ बनी हैं। आप जो साइज़ जो शेप चाहें आप बना सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है, और अब मैं यहाँ पर ये टिक्कियों को तल लूँगी, फ्राई कर लूँगी। आप चाहें डीप फ्राई कर लें या शैलो फ्राई करें, यह आप पे डिपेंड करता है। ऑयल भी आप जो चाहें, जिस ऑयल में आप घी में ऑयल में जिसमें चाहें फ्राई कर सकते हैं। तो अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इस तरह से एक एक डालते जाएंगे। मैं यहाँ पर एक साथ दो फ्राई कर लेती हूँ। इन्हें सुनहरा तल करके निकाल लेना है। तो मैं तल कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैं पलट चुकी हूँ, और एक साइड से सुनहरी हो चुके हैं ये। अब मैं दूसरी तरफ से भी सेक करके इन्हें निकाल लूँगी, और इसी तरह से मैंने सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेना है। तो ये लीजिए जनाब, तैयार है साबुदाने की टिक्की या वड़ा, जो भी आप इसे कहना चाहें। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, आसान है बनाने में। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपने एक्सपीरियंस मुझे भी बताएँ कि आपकी ये रेसिपी कैसे तैयार हुई है, कैसा इसका टेस्ट हुआ है। और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।